हम आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। हो गया है नेक्स्ट डे। सो गाइज, अभी मैं जा रही हूँ मुबशीन मैम के पास में। अभी मुझे टेलर के अभी कुछ काम है, मेरे ड्रेस देने, मेरे बुरखे देने। जैसे कि आप लोगों को पता है मेरी शादी नज़दीक आ रही है, तो अभी बहुत सारे काम है। हुदापी की शादी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, तो अभी काम ख़त्म हुए नहीं है, अभी बहुत सारे काम बाकी है। तो अभी हम जा रहे हैं मेरे फियांसे के लिए अतर लेने के लिए। मैम ने एक शॉप देखी थी, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, तो हम लोग वहाँ जाएंगे मैम के साथ में, और फिर हम लोग जाएंगे टेलर के पास में कपड़े देने के लिए। बुरखा दो ली थी मैंने, जैसे कि आप लोगों को पता है मुमरा से ली थी, तो वो मेरे को ऑल्ट्रेशन करवाना है और दो ड्रेस भी सिलवाने। चलो जाते हैं। मैम आ गए हैं। ओ हो, देख मेरे को सर्दी हुई है। कैसे दिखा रहे, सर्दी हुई है। तो मैम किधर जाना है अभी हमको? हमको जाना है खुशबू देखने। खुशबू देखने? हाँ। मैम आपको पता है मेरा हाथ जल गया कल, ये देखो ना, ये पूरा ना, वो तो अच्छा हुआ कि छाला नहीं पड़ा, लाल लाल हो गया है, बहुत दुख रहा है ना कल रात में। अरे क्या, अभी उदापी नहीं है ना, तो तेरे पे हाथ से तो मेरे हाथ से बहुत काम ऐसे होने वाले हैं। वैसे चाय कब भी, चाय गिर गई गरम गरम, चाय बनाना आती नहीं, नहीं आ गई, अरे आ गई चाय बनाने, मजाक नहीं सही। मेरे को पिलाएगी तब मैं देखो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आप घर पे आओगे तो पिलाती हूँ। चलो फिलहाल अभी हम लोग जाते हैं शॉप पे और फिर उसके बाद में मिलते हैं। फाइनली शॉप पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे अभी हम लोग अतर देखते हैं। भैया अतर ही बोलते हैं ना? हाँ। मैं थोड़ा कंफ्यूज थी। अच्छा पॉकेट परफ्यूम है? बहुत सारी फ्रेग्रेंस ये किए है ट्रायल, लेकिन ये वाली मेरे को अच्छी लगी। और मैम देखो, मैम की नाक बंद है फिर भी मैम खुशबू सूंघ रहे। यहाँ पे भाई अभी हम लोग को दूसरी फ्रेग्रेंस भी दे रहे है। अच्छा। ये फ्रूट नहीं, नहीं फ्रूट्स में नहीं चाहिए, बहुत मीठा नहीं चाहिए, बहुत अजीब लगता है मेरे को ये वाली फ्रेग्रेंस, अच्छी लगी। हम लोग अतर की शॉप में आए हैं और जैसे जैसे वो फ्रेग्रेंस सुगाते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है ये ले लो वही ले लो ये ले लो ये ले लो, बाप रे। हाँ मैम, मेरे को तो खुशबू ही नहीं आ रही, मेरे को अफसोस इस बात का हो रहा है, जिसको मेरे को खुशबू की चाह रहती है मेरे भी खुशबू नहीं आ रही। मैम का नाम खुशबू है लेकिन उनको खुशबू ही नहीं है। तो हम लोग ले लेते हैं फटाफट, फिर मिलते हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ कौन कौन सा क्या ली हूँ मैंने। मैम सूंघ रहे हैं लेकिन उनको स्मेल ही नहीं आ रही है। इसकी भी खुशबू नहीं आ रही है उनको, पूरी बंद है। हाँ। इसलिए बोलते हैं कि ठंडा नहीं खाना चाहिए। इसमें सैंडल है, सैंडल संदल। अच्छा संदल की लगी। गाइस यहाँ पे खुशबू सूंघ के ऐसा हो गया कि अब समझ में ही नहीं आ रही है कि फिर उन्होंने ये हम लोग को दिए सूंघो और फ्रेग्रेंस से नाक में रख लिए थोड़ा। हाँ भैया, अभी एक नाक में रखूंगी और एक खुशबू सूंघूंगी। ऑयल लग रहा है ये। हाँ हाँ, अच्छा है वैसे, थोड़ा स्वेटिंग। हम लोग इसको ऑप्शन में फिलहाल रखते हैं। हम लोग ने ये गिफ्ट क्या बोलते हैं भाई इसको, गिफ्ट सेट, हाँ तो ले लिए है। और भी हम लोग ने परफ्यूम भी लिए है, अतर भी लिए है। अभी यहाँ पे आए और मैं मेरे लिए कुछ ना लो ऐसा नहीं हो सकता है गाइस, तो मैंने मेरे लिए भी कुछ ले ली हूँ, अब वो मैं आप लोगों को घर जाके बताती मैंने क्या 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 ली। आए थे टेलर के यहाँ पे लेकिन ये भाई को टाइम ही नहीं है, हर चीज़ अर्जेंट पे रहती है भाई की, है ना भाई? हर चीज़ अर्जेंट पे रहती है। तो अभी हम लोग रख के जा रहे हैं, यहाँ ऐसे ही कपड़ा पाएंगे हम लोग। कितने दिन बाद आओ आप वो बता दो, मैं एग्जैक्ट आ जाऊँगी फिर। वो कॉल करेंगे दो दिन के बाद, आज मंडे है, ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे को आऊँ। ठीक है चलो फिर जाते हैं, वैसे भी मुस्तजा बहुत रो रहा है, चलो जाते हैं। नहीं आती हूँ भाई फिर। नेक्स्ट डे हो गया है और ये कंटिन्यू व्लॉग है। अभी हम जा रहे हैं टेलर के यहाँ पे, मैम भी आ गए हैं।
चलो मैम जल्दी जल्दी बैठो, पीछे रहो, क्या आराम आराम से आ रहे हैं। तो तू वेट करवा रही हो बोल, कब से कब वेट कराई? मैं तो फटाफट करी तो मैं के हाँ वही बाकी के जो बाकी का नहीं लाई, एक साथ में दूंगी ना, घुमा देगा तो कपड़ा। चलो फटाफट से ज़्यादा टेलर के यहाँ पे और उसको आज फटाफट नाप दे के फिर निकलेंगे। गाइस हम लोग पहुँच गए हैं टेलर के यहाँ पे फाइनली, और अभी यहाँ पे मेरे बुरखे का साइज ले रहे हैं और गलती से मैं दुपट्टा ये सब भी लेकर आ गई थी, खैर वो तो मैं लेके चली जाऊँगी, भाई मेरा नाप वाप ले गया और उसके बाद फिर हम लोग वो ऑल्ट्रेशन के लिए चले जाएगा और ड्रेसेस भी है। सो गाइस जो आप लोग ने मेरे प्रीवियस व्लॉग में देखे थे जो हम लोग कपड़े निकाले हैं काउंटिंग कर रहे थे, तो उसमें से जो ड्रेस मैंने निकाल के रखी थी थोड़े मैं लेकर आई हूँ और थोड़े नहीं लेकर आई हूँ। अभी इसमें भी मैं क्या सिला मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कपड़ा उठा के लेके आ गई प्रिंसेस गाउन सिला, ये वाला मैंने ली थी उदापी से प्रिंसेस गाउन, इसकी मेरे को डिज़ाइन अच्छी लगी तो गाउन में ही आएगा पूरा डिज़ाइन फ्लेयर में। हाँ गाउन का ही कपड़ा है शायद, चलिए इतना नहीं है, इतना नहीं है, हाँ, मेरे को कम है, वही देखो ना कितना कपड़ा है, क्योंकि अगर ये गाउन का नहीं होगा तो फिर या तो फिर हम लोग शॉर्ट फ्रॉक भी ऐसे सिलेंगे या कुर्ती सिला लेंगे, कुर्ती नहीं गाउन नहीं होगा, गाउन तो दिख ही रहा है, कम है ना कपड़ा, 60 का बनाएंगे, मीडी सिला ले, मीडी आ जाएगी ना इसकी, लेकिन फिर वो टाइट नहीं होना चाहिए, कफ्तान से डाले कफ्तान, नको कफ्तान क्या, नको कफ्तान अच्छा, अंदर अस्तर डाल के मैं कफ्तान क्या, अच्छा ऊपर का कफ्तान और अंदर का कुर्ती, हाँ वैसे ही रहता है, अच्छा वैसे ही वैसे ही रहता है, तू बाहर का कफ्तान लेगी तो वो अलग आता है वैसा, लेकिन अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन उसकी फुल स्लीव्स बनाना, फुल मत बना इतना इतना बना, हाँ थ्री फोर्थ, हाँ बाकी वो तो फुल रहेगी ना, मैं निकाह में पहनी थी, मैं निकाह में पहनी थी, हाँ वैसे जॉइंट बना लेने तो जॉइंट नहीं अलग अलग बनाओ, हाँ ये अलग वो अलग, या अलग अलग ही रहेगा पर आस्तीन थोड़े अटैच करवाना, हाँ तो ठीक है ना, हम लोग इसका कफ्तान बनाए, कफ्तान कफ्तान बना लेते, एक ये ड्रेस मुझे सिलवाना है, मुझे ये ना बहुत अच्छा लगता है, इसका ना क्या करवा मालूम, थोड़ा कमीज राउंड कमीज और पटियाला सिलाना, नहीं इसका मैंने कल फोटो दिखा रही थी ना भाई को वो सिलाना, धोती धोती जैसे, धोती जैसा पैंट वाला क्या मस्त लगेगा, चल मेरे को उसके अंदर वही सब वो अच्छा, मैं जैसा मैं जो फोटो स्क्रीनशॉट मारी ना देखते साथ में क्लिक हुआ, नहीं मैं ये वाला ड्रेस वैसे ही सिलाऊंगी, ओके आपको पहनना है, आपको जो अच्छा लगे वो पहनाइए। हो गया तो चलो हमारा हो गया है, कढ़ी बना दी, बनाने जा रही है, अरे अभी बन जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं लगता है कढ़ी बनने, तो चल रहे क्या घर, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, जाके खाना भी पकाना है, मैम को भी भूख लगी है, मैं जॉब पे से आई, जॉब पे से आए वो अभी, अपना क्या है अपने तो खाली रहते दिन भर, तो मुझ तो जा वो खाली रहने नहीं देता है गाइस, तो चलो अभी हाँ सोने भी नहीं देता है वो, तो चलो अभी जा रहे हैं हम घर, इनको छोड़ेंगे और फिर जाएंगे। सो गाइस आज है थर्ड डे, जैसे ये ब्लॉग तीन दिन से कंटिन्यू है गाइस, गाइस 3 दिन से ये व्लॉग कंटिन्यू है, मैं सब अतर लिए, हमने कपड़ा सिलाई के लिए दे दिए हैं गाइस, 7 जोड़ी मैंने सिलवाने के लिए दी हूँ मेरे, उसमें से 2 मेरे बुरके हैं, बाकी मेरे ड्रेसेस हैं, कुछ दे के भैया को समझा के याद रखना कि ऐसा 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 सिलना है उनको, सारे चीज़ों के मैंने ड्रेसेस दे दी हूँ, कुछ मैंने कंदूरे दी हूँ जिसका मुझे सूट सिलवाना है, जैसे कमीज़ हो गई ये वो उनको सिलवाना है, अब मेरे को ये वेट है कि मुझे जल्दी सिल के मिल जाए मेरा ड्रेस, तो फिर मैं आगे
मतलब आप लोग के साथ में भी शेयर कर सकूं कि मेरा ड्रेस कितना अच्छा अच्छा सिल के आया, बिकॉज सारी डिज़ाइंस मैंने उनको समझा दी हूँ कि मुझे क्या कैसा चाहिए है। और फिर उसके बाद में मेरे साथ इंसिडेंट पे इंसिडेंट हो रहा है गाइज। पहले तो मेरी हथेली पे जला और आज मैं खाना पका दी थी तो यहाँ पे जल गया। सो गाइज अभी ये ऐसे ही चलते रहेगा जब तक कि वो, अब तो हुदापी यहाँ पे है नहीं, अब वही वेट है कि हुदापी कब यहाँ पे आएगी, हुदापी का इंतजार है बस। चलो जल्दी जल्दी दिन जाए 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 और हुदापी आए यहाँ पे घर पे, क्योंकि अभी बहुत घर गाइज खाली खाली लगता है, चीजें सब अकेले हो रही है, हुदापी की कमी बहुत महसूस हो रही है चीज़ों में, शॉपिंग में, मैं कहीं नीचे जाती हूँ वो चीज़ में हुदापी की कमी महसूस हो रही है, क्योंकि हुदापी और मेरा ऐसा था कि कहीं भी अगर मैं जा रही हूँ तो हुदापी मेरे साथ ही आती थी कि हुदापी चलना, हुदापी थोड़ा किरकिर करती थी लेकिन मेरे साथ चली ही जाती थी कि चल ठीक है आईफा चल रही हूँ मैं तेरे साथ में, ये वो बहुत अच्छा लगता था गाइस, कैसे एक साथी छूट गया, यही बोल सकते हैं कि एक साथी छूट गया है, साथ जो हर चीज़ में गाइस। हुदापी मेरी क्राइम पार्टनर भी है हर चीज़ में, मतलब हर चीज़ में मेरा साथ देती है, अच्छी चीज़ में, बुरी चीज़ में कभी साथ नहीं देती है, तो वही मतलब बहुत बुरा लग रहा है। चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह ये तो होना ही था, खुशी की भी बात है और दुख की भी बात है। खुशी की बात ये है उसका घर बस गया, दुख की बात ये है कि अलग हो गई है। चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह सब्र देने वाला है, सब कुछ इंशाल्लाह ठीक ही हो जाएगा। अभी मेन तो ये टेंशन है हुदापी का हो गया, अब जब मैं और मुझसे जब जाएंगे तो मम्मी को और अकेलापन फील होगा। खैर अभी तो मैं हूँ इतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन मम्मी को ही पता है उनको कैसा लग रहा होगा, फील हो रहा होगा, क्योंकि अंदर की जो फीलिंग्स है मम्मी जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते हैं ये वजह से। तो चलो इसी के साथ ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। और हाँ गाइज, आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे, इसके ये व्लॉग आप लोग देख लोगे इसके बाद से शादी के व्लॉग्स चालू हो जाएंगे गाइज। मेरे भी अभी टाइम ऑन टाइम मेरे व्लॉग्स आना स्टार्ट हो गए हैं 6 o'clock को, तो गाइज जल्दी जल्दी वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो गाइज, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज़।